चाची बाऊजी माई भड़का जी बड़की माई श्रीनाथ भोलीनाथ माई नंबर नहीं खेले गई माने जैसे मेरा रुक बोल रहा था नंबर नहीं खेल गई और चाची उची फोन नहीं किस ले ले के उनो और ये नो की क्या मैंने मरना हो फुफा मैंने कहा बोल रहा था अच्छा सुबह मैंने घर आए कि जात में मऊ चल हमने हमने बताइए ना कॉल ये बात से चल चल चलो ठीक तो देखिए आज बहुत दुख के बात है कि खुशी के का फूफा जी के आज आज बहुत दुखद घटना है जी तो का भी लोग से तो इनका फूफा जी के आज हॉस्पिटल में गए थे हॉस्पिटल में नहीं जा पाए घर ही तन सु खांसी नहीं होय लवे तो ने मेल लेके जा जात मऊ तो फूफा जी के इनका का हुआ है देहांत हो गया है तो आप जाइएगा कहां कैसे सब कोई घर के गया है ना सब मम्मी पापा कौन है चाचा चाची मम्मी पापा भाई सब क्यों चल गए घर में बसे कर दिए बात चलिए इसमें रोने गाने की बात नहीं है इस सब एक दिन आए तो एक दिन सबको जाना है का बाकी ये ऐसे हालत में नहीं जा सकते ना का तक ही आप का कौन आ जाना था तो खड़ा होकर बोलिए आज माथा दुखाता तो था ना तो क्या करिएगा मेरे भाई ऐसा होता रहता है कोई बड़ी चीज नहीं है दुनिया में आया है तो एक दिन नमस्ते प्रणाम खुशी गोरची को लातनी और आप लोग कैसे बन जाए उम्मीद करो कि बहुत अच्छा ही हो जा और अच्छा ही रह जा मस्त रह जा स्वस्थ रह जा आज घटना पे घटना हो गई इसीलिए कि हम लोग खाना आज नहीं बन रहा है ना जी हाँ आज खाना हम लोग का नहीं बन रहा है और देखिए हाथ भी कट गया है दोपहर में इतना ज्यादा इसी में बाल फूल जा रहा है देखिए कुछ घटना होने वाला रहता है ना जरूर कुछ ना कुछ अग्रम मिल जाता है चाहे कुछ ना कुछ होता रहता है ना तो हम तो खुद बीमार है अभी तो कैसे जाएं अभी नहीं जा सकते हैं लेकिन ठीक हो जाएंगे तो जरूर जाएंगे हमारी एक ही बुआ थी और हमारी बुआ बहुत बीमार है उनको भगवान नहीं ले गए हमारे फूफा जी बहुत अच्छे थे अभी खड़े थे चल रहे थे देखिए कोई शरीर के गारंटी नहीं है शरीर है माटी के शरीर या माटी में मिल जाए तो इस चीज के कोई लिमिट नहीं है कब कैसा हो जाएगा शरीर एक माटी के खिलौना है हेलो नमस्ते प्रणाम आप कैसे हैं उम्मीद है कि अच्छे होंगे अच्छा रहना भी चाहिए और जहाँ रहिए वहाँ स्वस्थ और मस्त रहिए और बहुत दुख की बात है भगवान करके हमारे फूफा जी की आत्मा को शांति मिले अभी ले गए वो लोग दोहरी घाट और बहुत दुख की बात है कि उनके जो लड़के लोग थे वो लोग भी नहीं थे सब लोग बाहर में थे यहाँ नहीं थे जल्दी में आ जाएंगे इंडिया में रहते तो वो लोग आ जाते इंडिया भैया विदेश में है ना जी हाँ तो जानते हैं कि जब अपने मन से वहाँ से कोई नहीं आ सकता है जब तक ये टिकट नहीं मिलेगा तो और बहुत दुख की बात है कि उनका मतलब
देहांत हो गया है, इसलिए दीदी बहुत दुखी है, आत्मा को शांति मिलना चाहिए। मतलब इसको जानना रहता है भाई, देखिए हम भी आप भी यह सब दुनिया में आए तो चले जाते हैं, आखिर क्या करिएगा, समय समय से होता है तो अच्छा भी लगता है। पापा रो रहे हैं खूब ज्यादा। हैं पापा? किसके पापा? मेरे पापा रो रहे हैं। अच्छा, जीजा थे ना उनके, इसलिए वो लोग बुरे। और दीदी भी बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि रात में दीदी को बहुत अजीब सा सपना आ रहा था, दीदी बोली कि कुछ होगा क्या, मैं बोल रही ऐसा सपना आता रहता है, फिर सुबह में सुना है कि पापा जी स्पायर कर गया है ना, और दीदी का हाथ भी कट गया, कुछ होने का रहता है तो कुछ ना कुछ अपने को पता चलता है। तो देखिए दोस्तों, दीदी सुबह से खाना वाना नहीं खाई है और इतना टाइम बनेगा भी नहीं ना, खाना भी नहीं हम लोग का आज बनेगा, ऐसा ही हम लोग सो जाएंगे जी। हरे राम राम, भगवान सबको कष्ट देते हैं। दीदी तो जरूर जाती, लेकिन दीदी मतलब अभी कहीं जाने लायक नहीं है, एक आध महीना का टाइम होता तो जरूर दीदी जाती है ना दीदी। हाँ। क्योंकि अभी बहुत जल्दी मतलब नजदीक टाइम आ गया है, मतलब कभी भी कुछ टाइम भी आ गया है, और बहुत दिक्कत की बात है कि हम इस पार है गंगा जी की और उस पार जाना है, तो नहीं गंगा जी को नहीं पार करना है, तो सब लोग मना कर दिए है, तो दीदी परेशान थी, रो रही थी जाने के लिए, हम लोग नहीं जाया जाता है और टाइम भी नजदीक हो गया है, कभी भी कुछ हो सकता है दोस्तों, इसलिए हम भी नहीं जा पा रहे इन लोगों का वजह से, इसलिए हमेशा गाड़ी यहाँ पर खड़ा रहती है, बाकी हो सकता है कि जाएंगे कभी एक दो घंटा खाते हैं ना जी। हाँ, कल के बाद देखा जाएगा क्या होगा, इसलिए हम लोग का लेट सूचना मिला इस बातों का, अब बहुत दूर है, नहीं गए कि अगर उधर जाएंगे इधर कुछ दीदी को परेशानी हो सकती है, क्योंकि रात भी रहते यही बात है, वहाँ पर कम से कम 6 घंटा 4 घंटा इधर से, 4 घंटा उधर से, 8 घंटा लगेगा, कम से कम 110-115 किलोमीटर है, तो कैसे होना, तो 3 घंटा से तो कम 3.5 घंटा से नहीं लगेगा, इसके वजह से हम नहीं जा पाए, रात हो गया है इसलिए। तो यही हम लोग समझा रहे हैं दीदी को कि खाना नहीं, देखिए इसमें ठीक है, लोग थोड़ा सा दुख के तो बात है ही है, बाकी देखिए सब यहाँ जो भी आया है एक दिन चले जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें दुख सुख तो माने हर किसी पे पड़ता है, तो इसमें जाने वाली बात नहीं होती है, इसलिए कि जाने से कुछ होगा नहीं, जो भगवान ऊपर से जो लिख दिए वो होते रहेगा, कहा गया है एगो बात कि कोट करे चतुराई ब्रह्मा के लिखल मिट न जाए, तो वो जो वहाँ से लिखा जाता है वो आपस या मिट नहीं सकता है। क्या सपना आप बोलना चाहती हो कुछ? देखिए सब बेबी बच्ची है, अपना दीदी के मना रही है ना जी। अच्छा चलिए, तो चुप कर, अच्छा तो इधर घोड़ा के देने चुप करा रही है, फूल गया है तो। अच्छा इनका पैर भी फूल गया है, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, क्या करिएगा, इसलिए हम लोग का कुछ यार कुछ समझा नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं ना, क्या सोच रहा है आदमी, तली क्या हो जा रहा है कुछ, मैंने इसका क्या बताएं, क्योंकि इधर दोस्तों हम तो खुद हम लोग, और कितना कितना दुख की बात है कि हमारे फूफा जी और फुआ जी और फुआ जी के लड़की लोग एक साथ रहते थे, और लड़के लोग अपन बीवी ले लेके, बहुत याद आ रहा है ना, बहुत याद नहीं आ रहा है, लेकिन आज हमारे बुआ जी का कोई नहीं है, किसका लड़का किसका साथ दे रहा है आज के डेट में, सही बात है, अभी तो चलिए उनको दुआ दया करते रहे कि उनके आत्मा को शांति मिले, जो होना था वो तो हो ही गया, मैंने उनकी जगह पे मेरे बुआ का मैंने माना है, फुआ जी की तबीयत ज्यादा मैंने खराब चल रहा था ना, बहुत ज्यादा 5-6 साल से, फूफा का मैंने कुछ तबीयत अच्छा था, बाकी उनका थोड़ा ब्लड प्रेशर और शुगर और हार्ट, हाँ यही थोड़ा सा दवा चल रहा था मऊ से जी, पर फिर भी बस कुछ नहीं हुआ, सही थे, दवा खाए हैं, और अचानक ऐसा हो गया, प्याज व्याज के खेत में गए करने गए थे, आया जैसे सुरूरी जैसे नहीं अटकता है,
वैसे ही अटक गया है या उसके बाद से पानी हम देखे एक बार देखे हैं सिर्फ, और बहुत अच्छे थे अभी माने तब 60 वर्ष की उम्र हो। अरे अभी हम लोग के घर आए थे, 60 वर्ष के एज होता होगा ना, ऐसा बात नहीं है, 60 वर्ष के उम्र है उनका। घर पे आए थे अभी 2-4 दिन पहले, सबको लिया के चलिए। अच्छा ही आदमी को भगवान उठा ले जाते हैं, जो झेल रहा है उसको नहीं उठा रहे हैं। फुआ का जबकि फुआ के ज्यादा ज्यादा तबीयत खराब है, लैट्रिन बाथरूम सब कराना पड़ता है धो के, तो वही ना फुआ को मर जाना चाहिए था, अच्छा रहता उनके लिए, वो इंस्पायर हो जाते तो अवधि के फिचाई से अच्छा ही रहता, लेकिन जो चल फिर रहा था उसको भगवान देख लिया। तो चलिए कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, और हम लोग दूर है तो क्या कर सकते हैं, जाने वाला तो चला गया। बकरी जाएंगे हम लोग, हाँ हम अभी नहीं जा सकते, हम जाएंगे बकरी।